इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, ई इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट वी। ये इसी चीज़ का परिणाम है क्योंकि फील्ड सेंट्रल है, तो जब भी कोई फील्ड सेंट्रल होगा या इरोटेशनल होगा तो उसको हम फील्ड को ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ उसी का रिजल्ट है, इसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम डेल्टा वी को डेल्टा आर के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे डेल्टा वी का इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आर और ई के टर्म्स में लिखेंगे। तो इसके बाद हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखें कि रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंसिडर टू नियर बाई पॉइंट्स। नाम है ए एंड बी। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई और जेड कार्टेशियन सिस्टम में, और ये थोड़ा सा इससे खिसका हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई और जेड प्लस डेल्टा जेड। तो ये ए और बी दो नियर बाई पॉइंट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, और मान लेते हैं कि हम इनके पोटेंशियल, लेट देयर पोटेंशियल जो पोटेंशियल है वो ए का पोटेंशियल है वी और बी का पोटेंशियल है वी प्लस डेल्टा वी, यानी कि ऑफ ए का पोटेंशियल और ये हम कह सकते हैं ऑफ बी या बी का पोटेंशियल। तो यहाँ चूंकि इसी चीज़ का फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एक्चुअली किस चीज़ का फंक्शन है, ये आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैथमेटिक्स से मैं इसे इस ढंग से लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा वी ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली इसी का फंक्शन है तो इसे कहूँगा पार्शियल डेरिवेटिव डेल वी ओवर डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल वी ओवर डेल जेड डेल्टा जेड। तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए ये जो क्वांटिटी इस तरफ राइट हैंड साइड है, ये दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ। किस ढंग से, इस ढंग से कह सकता हूँ। ये क्या है, पहले वाली क्वांटिटी ये हो जाएगी डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल वी ओवर डेल वाई प्लस के डेल वी ओवर डेल जेड। ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और इसके साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी आ जाएगी क्या, आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल जेड। ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब देखिए ये क्या चीज़ हुई, ये आपकी यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये एक्चुअली हो जाता है इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर क्या हुई, ये आपकी होगी ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट ये है डेल्टा आर। तो इस तरीके से मैंने कहा कि डेल्टा वी का एक्सप्रेशन है। तो ए और बी जो दो नियर बाई पॉइंट्स हैं, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज ई, देन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी विल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब ये जो इक्वेशन है इन इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। अगर मैं कहूँ इसे इक्वेशन वन, इसे कहूँ इक्वेशन टू, तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो इन इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट डेल्टा आर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा। इन्हें एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा ई प्लस ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट आर इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर या तो ये जीरो है ये जीरो है, तो डेल्टा आर एक्चुअली क्या है, ये आर्बिट्ररी है।
आर्बिट्रेरी का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है इसका मतलब इसका लेफ्ट वाली साइड जो है यही आपकी जीरो होगी, तभी ये जीरो हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ ई वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो या ई इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। तो ई वेक्टर के लिए ये कंडीशन आपके पास आ जाती है, तो ई और वी में ये रिलेशन आ जाता है। अगर इसे वन डायमेंशन केस कहूँगा तो ये आ जाती है ई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। तो ये इस तरीके से है, तो ये आपने पहले पढ़ा ही होगा। अगर हम कहें कि v और x का जो रिलेशन है लीनियर है, ये कांस्टेंट है, तो e इक्वल टू वी अपॉन डी, ये मैग्नीट्यूड आप इस ढंग से भी लिख देते हैं इसका, या v इक्वल टू ई डी, तो ये यहीं से आया हुआ है। ये एक्चुअली जनरल रिलेशन है e इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। थैंक यू।